सो गाइस, हेलो गाइस, सो मैं हूँ सबकाइनेमेटून और मैं आज आया हूँ कि देखो गाइस, एक चीज़ मुझे आपको बताना है कि आप मोबाइल साइट करके मत देखिए, मतलब मोबाइल रख देना और ये बस सुन लेना, बस वॉइस सुनना है आपको, ऐसा मत कीजिएगा। आपको ये वीडियो फुल स्क्रीन में जो भी दिख रहा होगा सब देखना पड़ेगा, तभी आपको स्टोरी समझ आएगा, वरना नहीं समझ आएगा। और एक और बात गाइस, जिसका जो भी लोग बहुत सारे यूट्यूबर है इस सीरीज़ में, तो अलग अलग रोल है सबका, तो जो भी जिसका रोल रहेगा, कौन बोल रहा, मतलब जिसका भी आवाज़ आएगा, तो नीचे मैं लिख दूंगा नीचे वीडियो के स्क्रीन ही में कौन कौन बोल रहा है। मतलब जैसे कोई डोरेमोन बोल रहा है कि डोरेमोन क्या बोल रहा है, मतलब डोरेमोन कौन बोल रहा है, मतलब कौन है जो डोरेमोन का वॉइस दे रहा है, तो ऐसे करके। ओके, तो चलो गाइज वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेट स्टार्ट दिस वीडियो। और गाइज मैं भी हूँ इस सीरीज़ में, तो और सब लोग है, और आपको सरप्राइज रहेगा कौन है, सो लेट स्टार्ट। तो वेब सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सारे मीटियर्स धरती की तरफ गिर रहे होते हैं, वो मीटियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और तभी हम देखते हैं सीन कट होता है, हम देखते हैं लड़के का सीन, वो लड़का बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि फिर हम देखते हैं डेथ नोट को, ओह माय गॉड, हम डेथ नोट को देखते हैं, डेथ नोट भाग रहा होता है, वो बहुत मूवमेंट से भाग रहा होता है मूवमेंट से। और तभी हम उसके पीछे देखते हैं, वो क्या है, हम उसके पीछे कुछ देखते हैं। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मित्सो के घर का सीन, मित्सो सो रहा होता है। फिर हम देखते हैं मित्सो के सपने के अंदर का सीन, हम देखते हैं मित्सो को सपना आता है, एक लड़की होती है उसके सपने में, वो लड़की बहुत ज़्यादा मुसीबत में होती है। और तभी हम देखते हैं सीन फिर से शिफ्ट होता है नोबिता के घर पे, नोबिता के सपने में भी एक लड़की आती है, और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा मुसीबत में होती है। अरे यार, मैंने अपना ही हाथ काट लिया। कितना अच्छा सपना था, काश रियल में मैं इतने सारे डोरा केक खा पाता, सपने में डोरा केक की नदियों में डूब रहा था। चलो अब नोबिता को उठाते, बहुत वाव। क्या नोबिता, तुम आज उठ गए सच में, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नोबिता ये चमत्कार है, ये क्या हो गया? हाँ एक सेकेंड, कहाँ गया मेरा गैजेट? हाँ ये रहा, ड्रीम इज रियल। मैं अपने आप को अब काट कर देखता हूँ एक बार। अरे लग गई, ये तो सच है यार नोबिता, तुम अपने आप जग गए, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा, कहीं पागल तो नहीं हो गया नोबिता यार? चलो फाइनली तुम अपने आप। फिर हम देखते हैं मित्सो का सीन, मित्सो अपने स्कूल में होता है, और वो स्कूल में भी ये सोच रहा था क्या कि वो सपना था क्या, वो सपने में आखिर हो क्या रहा था, वो सोचता रहता है। और तभी हम देखते हैं सीन कट होता है, हम देखते हैं सीधा परमैन पाको पायन बूबी को, वो लोग अपनी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। और तभी पाको बोलती है, परमैन आज कोई आने वाला है, तो तुम्हें नहीं पता कौन आने वाला है, बहुत ही कमाल का, जिसके पास है दुनिया भर की चीज़ें, एंड परमैन वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी है, बहुत ही कमाल का। कौन पाको, कौन आने वाला है? देखो सीधा सीधा बताना, मुझे ज़्यादा मतलब वो नहीं चाहिए, मुझे बताओ कौन आने वाला है, क्या मेरा सबसे प्यारा दोस्त, सबसे दुलारा दोस्त वो तो नहीं? तभी अच्छा, इशारा दो। तभी अच्छा, मैं समझ गया, ओ डोरेमोन आने वाला है, डोरेमोन, अच्छा समझ गया। फिर हम देखते हैं कि सीन जाता है एक जगह पे, जिधर हम देखते हैं डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो, परमैन, पाको,
ये सब लोग एक साथ बैठे हुए थे और ये लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, अपनी यादें ताज़ा कर रहे थे, गाइस यादें ताज़ा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। अरे पाको, तुम, मैं शिजुका हूँ, तुम्हें याद है ना? ओए परमेन परमेन, अरे सर यार मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ यार, बहुत बड़ा फैन हूँ सच में। मैं क्या ही बताऊँ आपको, मैं बहुत, मतलब कि पहले कभी देखा तो नहीं है लेकिन फिर भी मैंने बहुत सुना है यार आपके बारे में, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सच में। अरे अरे ऐसा कोई नहीं है, अरे यार मतलब, अरे मैं क्या करूँ, देखो मैं परमैन हूँ, मुझे भी कोई बनाया है, आपको भी कोई बनाया है ना, मतलब आपको तो, आप तो रोबोट और डोरेमन, तो मैंने मतलब हमारी पहली बार तो मुलाकात तो नहीं है, हम लोग मिल चुके हैं ना, और डोरेमन नोबिता दो 0 marks तो ला रहे हो गए, मस्त 0 marks, मैं भी कम मार्क्स ला रहा हूँ, लेकिन आना कैसे हुआ आप लोग को इधर, मतलब मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ बट आप लोग को आना कैसे हुआ इधर, मतलब आज इतना, आज ही क्यों आए, क्या कौन सा दिन स्पेशल तो जो आज ही आए, सो डोरेमन आप बताइए, वरना अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आया हूँ क्योंकि मैंने मतलब आप ही, क्योंकि मैंने कल एक बहुत बड़ा म्यूचर गिरा था, वो म्यूचर से मतलब पूरा जगह तहस महस हो चुका है, इसी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा म्यूचर, मतलब बहुत ज़्यादा तहस महस हो चुका है, बहुत ज़्यादा तहस महस हो चुका है, इसी वजह से मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, कुछ तो सबको सपने आ रहे हैं, और मुझे क्या परमैन तुम्हें सपना आया था जल्दी बोलो, अगर नहीं आया था अभी बताना पड़ेगा तुम्हें क्या सपना आया था, तुम्हें बताना पड़ेगा सपना क्या आया है। परमैन तुमने किसका सपना देखा बोलो मुझे, मुझे नहीं बताओगे तुमने किसका सपना देखा, अगर तुमने किसी का सपना देखा ना तो तुम्हें मैं इतना पीटूंगी, मतलब अरे अरे पाको पाको, मैंने नहीं देखा भाई, मैंने सपना नहीं देखा, अगर मैं सपना देखता ना तो, लेकिन ठीक है मैं सच ही बताऊंगा, मैंने सपना देखा, मैंने लड़की का सपना देखा, मैंने लड़का आप लोगों को गलत सुनाई दिया होगा, मैंने लड़का का सपना देखा है, ठीक है ना, तभी परमैन मन पे सोचता है कि अरे यार मैंने झूठ बोल दिया, मैंने लड़की का सपना देखा था बट उस लड़की का चेहरा नहीं देखा, तभी नोबिता सुजुका बोलती है, नोबिता देखो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है तो प्लीज़ संभल के रहना, तभी परमन बोलता है कि अरे यार एक चीज़ तो मैंने देखा है, बार बार देखा है, हाँ मुझे याद है, मैं एक थोड़ा सा, चलो वो सब छोड़ो पहले हम थोड़ा फ़नी बात कर ले, मेरी फ़नी बात थी जब मैं रोबोट से मिला था, हाँ यार मतलब मैं कल ड्यूटी करके रोबोट के आया था तो रोबोट ने क्या ही बोला था मैं बताता हूँ, तो रोबोट ने बोला था कि चलो फ्लैशबैक में चलते हैं, मिट्सो तुम स्कूल जा रहे हो क्या, रुको मिट्सो मैं भी चलता हूँ, अगर मैं भी चलूँगा तो मुझे मज़ा आएगा, तो तुम अपने घर पर ही रेस्ट करो। अरे यार लेकिन मैं अभी ठीक है स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं बस अभी परमानेंट ड्यूटी करने जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो ऐसे जल्दी परमानेंट ड्यूटी करने, अभी परमानेंट ड्यूटी तुम नहीं करोगे, अभी परमानेंट ड्यूटी मुझे दो प्लीज़ एक बार दे दो, और तुम्हें कल से कुछ अजीब नहीं लग रहा क्या? तो गाइस फ्लैशबैक यहीं से ख़त्म हो गया, तब मिट्सो ये सब बता दिया, तब का रिएक्शन कुछ नहीं था, और गाइस तभी मतलब पयान आता है वहाँ पर, और मतलब पयान तो रहता है लेकिन पयान बीच से चला गया था तो वापस से आता है, तो मतलब देखता बोलता है, ओह सिजुका तुम यहाँ पर, अब तो पाको और सिजुका की जोड़ी तो खूब जमेगी, वाह भाई वाह बेटे मौज कर दी। डोरेमोन हमें कुछ तो करना होगा, हमें कुछ तो करके जानना होगा कि क्या हुआ है, इसके लिए हमें किसी से बात करना होगा, जरूरत पड़ने पर हम और लोगों को ले लेते हैं हमारे साथ। तुम बताओ तो सही वो सपना था क्या,
मुझे बताओ तो सही, तुम इतने घबराए हुए लग रहे हो, क्या बात है? वो सपना था क्या यार? सच सच बताओ, मुझे तुम्हें देखकर अब फिक्र हो रही है। तुम इतना डरे हुए हो, क्या हुआ है? तुम बताओ ना प्लीज। वो मुझे बहुत फिक्र हो रही है, बताओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम मत बताओ, कोई बात नहीं। परमन परमन तुम बताओ क्या हुआ था? अरे यार मुझे सचमुच नहीं पता क्या हुआ था यार, मैं नहीं बता सकता यार, बात को समझो। और मतलब यार एक बार समझो बात को, मैं नहीं बता सकता तो नहीं बता सकता, बात यहीं से ख़त्म होता है, ठीक है ना? तो यहीं तक था, ठीक है ना? तो अरे क्या डोरेमोन ऐसी बात है? अरे यार वो सपना अब क्या होगा? कुछ तो है उस सपने में, कुछ तो सीक्रेट होगा। परमैन तुम बताओ क्या था उस सपने में? तुम बताओगे या नहीं? तुम बताओ। अरे यार, तब परमैन बोलता है कि अरे यार ये क्या चल रहा है, मेरे को क्यों पूछा जा रहा है यार? मेरे को क्यों पूछा जा रहा है इतना? मैंने किया क्या यार? क्या करूँ मैं यार? सब लोग मेरे को पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, ये फेयर नहीं है बिल्कुल। तभी क्या पाको, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें उन सबको हराना ही होगा, हमें कुछ करना ही होगा। अगर हम लोगों ने नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाए। हमें करना होगा। अरे सिजुका ऐसी कोई बात नहीं है, पता है मैंने सपने में क्या देखा? मैंने सपने में देखा कि डोरेमोन की तरह बहुत बड़ा चूहा लग गया। तभी गाइस एक मतलब नीचे से डेथ नोट आता है, बोलता है ए रुको। मतलब गाइस डेथ नोट आ गया, और डेथ नोट आने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। डेथ नोट तो सबसे बड़ा है ना, सबकी उम्र यहाँ पे 11 साल है, बट डेथ नोट का रियल उम्र है, बड़ा है वो। तभी गाइस डेथ नोट बोलता है कि मेरा बुक चोरी हो गया, और तभी वो बुक के बारे में कुछ बताता है कि नहीं हम ये नहीं होने दे सकते। तुमको पता नहीं कि इस बुक की क्या पावर है। अगर ये बुक उस चोरों के हाथ लग गया तो दुनिया पूरी मुश्किल में पड़ जाएगी, ये हम होने नहीं दे सकते। ना ही नोबिता अपना सपना बता रहा था, और ना ही परमैन अपना सपना बता रहा था। वो दोनों ही अपना सपना नहीं बता रहे थे। आखिर इसका रीजन क्या है, आखिर हुआ क्या, ये देखने के लिए आपको पूरी सीरीज को एंड तक देखना होगा। तो आप देखते रहिए पूरी सीरीज को, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तभी डोरेमोन निंजा हटोरी को कॉल करता है। गाइस देखिए, मैं जानता हूँ कोई सेंस नहीं बनाता है, लेकिन प्लीज आप मुझे ना बोलिए, मैं इस स्टोरी का नरेटर हूँ, मेरे को जो बोलने को बोला गया मैं वही बोल रहा हूँ। आप जो भी छापना है एसकेटी के मुंह पे आके या कमेंट सेक्शन में छापिए, मुझे नहीं पता इसके बारे में। तभी हम देखते हैं सीन जाता है केनिची और निंजा हटोरी के घर पे। हम देखते हैं कि निंजा हटोरी और अमाड़ा फाइट कर रहे होते हैं। ये फाइट क्यों हो रही थी? क्योंकि आज केनिची को टेस्ट में अमाड़ा ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, इससे ये बहुत ज़्यादा फाइट हो रही होती है। तो अभी हम देखते हैं कि निंजा हटोरी क्या बोलेंगे। तुम स्वागत नहीं करोगे हमारा हैं? हमारा तुम, मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। तुम हमेशा केनिची को क्यों तंग करते रहते हो? मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। क्या डोरेमोन, क्या हुआ? मैं मदद करके रहूंगा,
निंजा निंजा डिंग 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 फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक घर का सीन। उस घर के अंदर हम देखते हैं किट्रेट्सु होता है। किट्रेट्सु अपने नए इन्वेंशन के ऊपर काम कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं दरवाजा खुलता है। हम देखते हैं कोरोसुके अंदर आता है। कोरोसुके बोलता है, सो तुम क्या कर रहे हो और कुछ पता है आपको? तुम्हें पता है कि हमें डोरेमोन ने बुलाया है तो हमें जाना चाहिए। जहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है तो हमें जाना चाहिए। जल्दी चलो किट्रेट्सु, तुम क्या कर रहे हो? इन्वेंशन मत करो इतना। अगर तुम्हें इन्वेंशन करना है तो कुछ अटैकर वाला इन्वेंशन करो और कुछ नहीं। करोगे ना तुम किट्रेट्सु? कर लो यार, करना ही तो पड़ेगा। चलो आज हमें जीतना ही है। और मैं हूँ, मेरा नाम समुराई है। मैं देखना जो भी प्रॉब्लम होगा मैं हरा दूंगा। लोग को जाना पड़ेगा, बुलावा आया है डोरेमोन की तरफ से, हमें जाना होगा। चलो कोरोसुके जल्दी चलते हैं। हाँ कोरोसुके, ये बात किसी को मत बताना, बस टंगोरी और बूटा गोरिल्ला को ही बताना। और किसी को बता दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सो उसके बाद टोंगारी और भूटा गोरिल्ला किट्रेट्सु से मिलते हैं। उनको पता नहीं है, तभी वो बोलते हैं कि किट्रेट्सु तुम कहाँ जा रहे हो? किट्रेट्सु रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा किट्रेट्सु। सो उसके बाद किट्रेट्सु गाइस भाग जाता है वहाँ से, कुछ बताए भी नहीं चला जाता। लेकिन इतना पता चल जाता है टोंगारी और भूटा गोरिल्ला को कुछ लड़ने की बात है। तो यहीं से इसके बाद भूटा गोरिल्ला और कहता है कि टोंगारी को, नहीं टोंगारी हम लोग भी चलेंगे। किट्रेट्सु कैसे नहीं लेगा हमें अपने साथ? खुद तो चला गया वो, हम लोग नहीं छोड़ गए। नहीं हम भी चलेंगे, हम जीतेंगे। देखते हैं कैसे रोकता है वो बड़ा है, वो मेरे को रोकेगा। मैं हम लोग चलेंगे टोंगारी, तुम चिंता मत करो, हम लोग चलेंगे। हम देखते हैं किट्रेट्सु और कोरोसुके भी अपनी जंग के लिए निकल जाते हैं। क्या हुआ है आखिर? हुआ क्या है इस सीरीज में? मतलब हो क्या रहा है सीरीज में? आखिर अगले आने वाले पार्ट में होगा क्या? क्या ये हो पाएगा? और गाइस इसी के साथ हमारे पार्ट वन की एंडिंग होती है। गाइस हमको कमेंट करके जरूर बताना आपको पार्ट वन कैसा लगा। अगर आपको ये वाला पार्ट वन पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन के चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो और लाइक करना मत भूलना ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस इस वेब सीरीज का जो पार्ट टू है वो जल्दी आएगा और किसके चल पाएगा वो भी हम लोग जल्दी आपको बता देंगे। सो बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड गाइस वो जो पार्ट टू आएगा परमेंट स्टोरीज मेकर के चैनल पे, तो सारे लोगों का जो भी इस सीरीज में जो भी काम किए है उनका चैनल लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सबके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। और पार्ट टू आएगा परमेंट स्टोरीज मेकर के चैनल पे, डिसीजन हो गया है, डिसाइड हो गया है। तो परमेंट स्टोरीज मेकर बी रेडी फॉर द पार्ट टू। और आपको परमेंट स्टोरीज मेकर का भी आपको चैनल मिल जाएगा नीचे तो, और गाइस पार्ट टू उनके चैनल पे आएगा। सो गाइस एक स्पेशल चीज़ है, लेट स्टार्ट दिस स्पेशल वीडियो। एक है स्पेशल